दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर केमिस्ट्री ट्यूटोरियल्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्सट्रैक्शन ऑफ मिडिल ऑर्डर मेटल्स इन रिएक्टिविटी सीरीज। नाउ इन दिस वी ऑलरेडी स्टडीड देयर आर टू स्टेप्स। द फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज कन्वर्टिंग एंड सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर टू मेटल ऑक्साइड। एंड द अनदर स्टेप इज बाय from metal oxide to pure metal or metallic substance। पहला क्या है, हमने अभी तक पढ़ा कि कैसे extraction of metal हम करते हैं। इस वीडियो में हम आगे देखते हैं कि क्या steps थे और हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहला था कि converting sulfide or carbonate ore to metal oxide। पहला था कि सल्फाइड ओर और कार्बोनेट ओर को मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करें। हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोनेट ओर के लिए क्या यूज करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस, और सल्फाइड ओर के लिए क्या यूज करते हैं, रोस्टिंग प्रोसेस। अब हम देखते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड यहां से निकल के आ रहा है, स्टेप टू के अंदर फ्रॉम वी वॉन्ट टू कन्वर्ट द ऑक्साइड फॉर्म टू द प्योर मेटलिक फॉर्म। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कन्वर्टिंग metal oxide to pure metal। क्योंकि हमें क्या करना था, extraction करना है middle order metals का। तो ये जो पहला process था, ये तो half of the process है, जिसमें हम sulfide ore से metal oxide में convert कर रहे हैं। लेकिन जब metal oxide से metal में convert कर देंगे, तब जाकर के extraction complete होगा। तो इसलिए क्या करते हैं, जब हमको metal oxide से pure metal में convert करना होता है, इसके लिए दो process आते हैं। एक कहलाता है स्मेल्टिंग, और दूसरा कहलाता है कि डिस्प्लेसमेंट बाय हाई रिएक्टिव मेटल्स। एक तरीका है स्मेल्टिंग क्या है हम ये पढ़ेंगे, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट बाय हाई रिएक्टिव मेटल्स कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन बाय कार्बन। फर्स्ट वन इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन, यही प्रोसेस कहलाता है आपका स्मेल्टिंग। दिस प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय द हेल्प ऑफ कार्बन और इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज कॉल्ड स्मेल्टिंग। नाउ हाउ दिस स्मेल्टिंग वर्क्स, इन दिस प्रोसेस द रोस्टेड ओर, क्या करते हैं इसमें, रोस्टेड ओर जो होता है, द रोस्टेड ओर इज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद कार्बन एंड हीटेड टू अ टेम्परेचर अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या करते हैं हम इसमें कि जो रोस्टेड, जो हमारा मेटल ऑक्साइड निकल रहा है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद, ठीक ना, मेटल ऑक्साइड को, ठीक है, कार्बन के साथ, अब ये कार्बन कहां से आता है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ चोक और कोक, चारकोल, कोल, जितने भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है उनमें से किसी एक के साथ मिला करके इसको हीट करते हैं अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट। जब हम मेटल ऑक्साइड को कार्बन के साथ उसके मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करेंगे तो क्या होगा कि प्योर मेटल मिल जाएगा, प्योर मेटल इन मॉल्टन फॉर्म इसमें मिलेगा। क्योंकि जब हम मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर हीट करेंगे तो वो क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ कार्बन यूज करने का क्या फायदा है कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन ऑक्साइड बनना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग। कैसे स्मेल्टिंग वर्क करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक इसमें कौन कौन से मेटल हम यूज करते हैं, मेटल ऑक्साइड हमने पहले पढ़ा मिडिल ऑर्डर है, तो इसलिए जिंक, लेड,
क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा, ये जितने भी मिडिल ऑर्डर रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स हैं, इनको हम इसके इनके ऑक्साइड्स को हम स्मेल्टिंग के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिड्यूस करने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ZnO, जिंक ऑक्साइड विद कार्बन, जिंक ऑक्साइड हमने कहां से लिया था, जिंक ऑक्साइड हम कार्बोनेट ओर से, हमने अगर पिछली बार याद हो आपको कि हमने जिंक ऑक्साइड कहां से लिया था, इसके कार्बोनेट ओर से ZnCO3 और सल्फाइड से ZnS, जिंक ब्लेंड। तो अगर हम ZnO को कार्बन के साथ लेकर हीट करते हैं, और किस पे हीट कर रहे हैं, अबव मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम इफ यू आर हीटिंग जिंक ऑक्साइड विद कार्बन अबव इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन वी फाउंड जिंक इन मोल्टन स्टेट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट। क्या हुआ, हमारा जो उद्देश्य था, हमारा जो ध्येय था क्या था, कि जिंक को एक्सट्रैक्ट करना उसके सल्फाइड या कार्बोनेट ओर से। तो यहां देखिए कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ हीट करने पे हमें जिंक मिल रहा है। इसी तरह हम दूसरे मेटल्स का भी देख सकते हैं, जैसे टिन, टिन ऑक्साइड SnO2, अगर इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हीट करते हैं अगेन अबव मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या बनाएगा, ये प्योर टिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये भी किसमें होगा, मोल्टन स्टेट में। ठीक है, और भी मेटल्स जितने भी हैं, जैसे हमारा लेड था, लेड पे हमने काफी डिस्कस किया, PbO प्लस कार्बन, इट फॉर्म्स Pb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हीटिंग अबव मेल्टिंग पॉइंट। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच स्मेल्टिंग इज डन फॉर दोज मेटल ऑक्साइड्स विच आर इन मिडिल ऑर्डर, एंड इन स्मेल्टिंग द रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल बाय using carbon, heating it with above its melting point. Carbon monoxide can cause reduction of ferric oxide to iron. Ferric oxide की अगर हम बात करें, Fe2O3, अगर इसको हम carbon monoxide के साथ react करवाते हैं, तो ये किस में convert कर देगा, pure iron में, pure iron में convert कर देगा ferric oxide को। ठीक है, क्या दिख रहा है हमें, कि स्मेल्टिंग के प्रोसेस से आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड को भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा के हम क्या फॉर्म, क्या मिल जा रहा है हमें, प्योर आयरन। दिस इज फॉर द फर्स्ट मेथड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय कार्बन नोन एज स्मेल्टिंग, यूज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।